अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट दिया है, इनको हमें सॉल्व करना है, इनको प्लस करना है हमें, ठीक है। 2 2 4 4 बेस 5 प्लस 4 4 3 2 बेस 5। अब लिखेंगे पहले इनको वर्टिकल फॉर्म, राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म, तो आएगा 2 2 4 4 बेस 5, उसके बाद 3 3 4 4 बेस 5, इनको प्लस करना है हमें। अब 4 में 3 को प्लस करें 7 बनेगा, बेस 5 में हम जो लिखते हैं ये वो 0 1 2 3 4 तक लिख सकते हैं। अगर आपको 5 हो या 5 से ग्रेटर अगर बने प्लस करने से या माइनस करने से, फिर आपको डिवाइड करते हुए, तो ये 4 3 7 आ गया 7, इसको डिवाइड हम करेंगे 5 के बेस से, 5 1 5, यहाँ से 2 आपका जो है वो बच जाएगा, तो यहाँ 2 लाना है आपने, 1 हमारे पास क्या ये होगा 4 3 7 7 1 कितना आएगा 8 8, क्योंकि आपने ऐसे करना है 5 1 5, यहाँ से कितने बचेंगे तो आपका 3, तो यहाँ आपका 3 आना है, 1 कैरी 2 और 4 6 6 और 1 7 7, यहाँ लाना है अगर आपने 2 1 कैरी 2 और 4 6 6 और 1 7 7, यहाँ लाना है आपने 2। अब चूंकि आगे हमारे पास टर्म नहीं है, ऐड कर देंगे तो लगा देंगे 2 भी लगा देंगे 1, ठीक है, बेस 5, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है जो कि हमने ऐड करना है, प्लस कर रहे हैं, तो राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म, किनको पहले वर्टिकल फॉर्म लिखना है आपने, 3 4 0 1 0 2 बेस 5, फिर 4 2 1 0 3 and 2। अब 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 को डिवाइड करना है पहले आपने बेस 5 के साथ, 5 1 5, यहां से 1 बचेगा, मान लगाना है आपने, ये 1 कह रही है 0 में 2 को प्लस करेंगे 2 2 और 1 आपका 3 आएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आएगा, तो 7 का यहां लगाना है आपने 2, 1 कह रही 3 और 2 5 5 और 1 6 6 का लगाना है आपने 1। अब चूंकि आ गया हमारे पास प्लस करने के लिए, आपकी और डिजिट नहीं है, दोनों लगा देंगे 1 और 1, बेस हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अब आपने इनको माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 0 0 0 0 1 बेस 5, फिर यहाँ से 2 है पहले, फिर 2 है 3 3 3 बेस 5। अब 1 में से 2 को नहीं निकाल सकते, यहाँ से फिर क्या लेना, क्या यहाँ से क्यों होगा, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब जब आपने कैच लेंगे ना, तो जब यहाँ से कैच लेंगे क्योंकि आपको बेस 5 है, जाके आपके आगे यानी 5 प्लस होने हैं, यहाँ आपका जब यहाँ से यहाँ कैच लेगा तो यहाँ आपके 5 है प्लस हो जाके, फिर जब यहाँ से आगे शिफ्ट होगा फिर हमारे पास यहाँ 5 शिफ्ट हो गए, फिर आगे 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ आपका 5, ठीक है, 5 और 1 कितना आएगा हमारे पास, जब आप यहाँ से कैच लेना ना, तो यहाँ जाके आपके 5 प्लस हो गए, फिर 5 यहाँ से एक लेंगे आगे, फिर यहाँ 5 प्लस हो गए, फिर आगे यहाँ लेंगे तो 0 में 5 प्लस करके 5 आएगा, फिर यहाँ लेंगे 5, फिर 5 1 6 हो जाएगा, 6 में 2 हम निकाल देंगे तो आपका आएगा 4। अब यहाँ 5 था तो आगे मान लेंगे यहाँ आपको 4 आएगा, ठीक है, 4 में 2 मान करेंगे तो आपका 2 आएगा, यहाँ फिर आपको 4 आएगा, 4 में 3 निकाल देंगे आपको 1 आएगा, यहाँ से हम मान लेंगे यहाँ आपको 4 आएगा, फिर ठीक है 4 में 3 निकाल देंगे तो आपका 1 आएगा, यहाँ भी आपका 4 आएगा, 4 में 3 निकाल देंगे तो आपका 1 आएगा, और ये आपका रह जाएगा यहाँ 0, ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर। अब इसका जो हमें डिलीवर करना है ना, वो एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने 6 से लेके 8 तक आपने, सॉरी 7 तक इसका आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।